नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मेट्रिक केमिस्ट्री के सिलसिले के 8वें प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दौरे जदूल के 5वें ग्रुप के पहले दो अनासर यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बारे में बताएंगे। इन दोनों अनासर को 5वें ग्रुप में रखने की बुनियादी वजह इनके एटमों के आखिरी मदार में 5-5 इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी है। 1772 में रदरफर्ड, पेस्ले और शीले ने एक नई गैस दरियाफ्त की। चूँकि ये गैस नाइटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट से तैयार की गई, लिहाजा चैप्टल ने इसे नाइट्रोजन का नाम दिया। इसी तरह 1669 में ब्रेंट ने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त किया जो अंधेरे में रोशनी खारिज करता है। लातिनी जबान में फॉस्फोर रोशनी को कहते हैं, लिहाजा इसी मुनासबत से इस नए अंसर को फॉस्फोरस का नाम दिया गया जिसके मानी हैं रोशनी खारिज करने वाला। नाइट्रोजन की अलामत कैपिटल N, एटमी नंबर 7, एटमी वज़न 14.007 AMU और कुमियती नंबर 14 है। नाइट्रोजन एटम के मरकज़ा में 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में और 5 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में गर्दिश करते रहते हैं। मुख्तलिफ सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब 1s2, 2s2, 2p3 है। नाइट्रोजन आज़ाद हालत में और मुरक्कबात की शक्ल में पाई जाती है। कुरे हवाई आज़ाद नाइट्रोजन का सबसे बड़ा मंबा है, जहाँ बलिहाज हुजम 78% और बलिहाज वज़न 76.5% नाइट्रोजन मौजूद है। अहम गैर नामियाती मुरक्कबात सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट हैं। चूँकि सोडियम नाइट्रेट के बड़े ज़खायर अमरीका में चिली के मकाम पर पाए जाते हैं, लिहाजा इसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। अहम नामियाती मुरक्कबात प्रोटीन्स, यूरिया और विटामिन बी हैं। चूँकि प्रोटीन पौधों और जानवरों के अजसाम का ज़रूरी जुज़ हैं, लिहाजा पौधों को दी जाने वाली खाद और जानवरों और इंसानों को दी जाने वाली खुराक में नाइट्रोजन का मुनासिब मकदार में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नाइट्रोजन की दरियाफ्त और जाय वक़ूअ के बारे में जानने के बाद आइए अब हम नाइट्रोजन गैस तैयार करने के तरीक़ों के बारे में बताते हैं। तजर्बागाह में नाइट्रोजन गैस आम तौर से सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड के आमेजे को गोल पेंदे की सुराही में गर्म करने से हासिल की जाती है। चूँकि ये गैस हवा से हल्की है और पानी में ना हल पजीर, लिहाजा इसे पानी के हटाव के अमल से गैस जार में जमा कर लेते हैं। सनती पैमाने पर नाइट्रोजन गैस हासिल करने के लिए हवा की कसरी कशीद की जाती है। इस तरीके में आम हवा को बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत कम दर्जे हरारत पर माया हालत में लाया जाता है। माया हवा को गर्म करने से -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर माया नाइट्रोजन गैसी हालत में आ जाती है और यूँ खालिस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आबी बुखारात और कार्बन डाईऑक्साइड वगैरह से अलहदा कर ली जाती है। नाइट्रोजन गैस के ख़ास कुछ यूँ हैं, ये गैस आम दबाव और आम दर्जे हरारत पर कतई तौर पर गैर आमिल है, जिसकी वजह नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटमों का 13 कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होना है। ताहम ज़्यादा दर्जे हरारत और ज़्यादा दबाव पर नाइट्रोजन गैस मुख्तलिफ गैर धाती और धाती अनासर के साथ मिलकर उनके मुतल्लिका मुरक्कबात बनाती है। मिसाल के तौर पर गैर धाती अंसर हाइड्रोजन के साथ अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड गैसें बनती हैं, जबकि धाती अनासर मसलन सोडियम के साथ सोडियम नाइट्राइड और कैल्शियम के साथ कैल्शियम नाइट्राइड बनते हैं। नाइट्रोजन गैस के इस्तेमाल कुछ इस तरह हैं, ये गैस अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजनी खादें बनाने में काम आती हैं।
इसके अलावा डिब्बा बंद खानों को महफूज करने में भी इस्तेमाल होती है। माया नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर्स में ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाजरीन, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन के अहम गैर नामियाती मरकबात हैं। तजर्बागाह में अमोनिया गैस तैयार करने के लिए अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आमेजे को गोलपेंदे की सुराही में गर्म किया जाता है। चूँकि ये गैस हवा से हल्की है और पानी में बहुत ज़्यादा हल पजीर, लिहाजा इसे हवा के ऊपर के हटाव के अमल से गैस जार में जमा कर लेते हैं। सनती पैमाने पर अमोनिया गैस हेबर के तरीक़े से तैयार की जाती है। इस तरीक़े में एक हिस्सा नाइट्रोजन और तीन हिस्सा हाइड्रोजन गैसों को 200 एटमॉस्फेयर दबाव और 500 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर गर्म किया जाता है। इस अमल के दौरान आयरन ऑक्साइड या आयरन अमल अंगेज के तौर पर काम करते हैं। लुइस के नज़रिए के मुताबिक अमोनिया एक असासी गैस है, जिसकी वजह अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के आखिरी मदार में एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की मौजूदगी है जो दूसरे अनासर के एटमों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। असासी खासियत रखने की वजह से अमोनिया मुख्तलिफ तेजाबों के साथ मिलकर उनके मुतल्लिका नमकियात बनाती है। मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम सल्फेट, जबकि अमोनिया का आबी महलूल यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया की नस्बत एक कमज़ोर असास है और तेजाबों के साथ मिलकर उनके मुतल्लिका नमकियात और पानी बनाता है। मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम सल्फेट और पानी बनते हैं। अमोनिया गैस के इस्तेमालात कुछ इस तरह हैं। ये गैस यूरिया खाद बनाने में काम आती है। अमोनिया का हल्का आबी महलूल कपड़ों से चिकनाई के दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माया अमोनिया रेफ्रिजरेटर्स में ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। नाजरीन, नाइट्रोजन का दूसरा अहम गैर नामियाती मुरक्कब नाइट्रिक एसिड है। ये तेज़ाब आम तौर से तजर्बागाह में तैयार नहीं किया जाता, ताहम सनती पैमाने पर ऑस्वल के तरीक़े से हासिल किया जाता है। इस तरीक़े में अमोनिया और ऑक्सीजन गैसों को प्लैटिनम धातु की मौजूदगी में 600 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर गर्म करने से पहले मरहले में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हासिल होती है, जो मज़ीद ऑक्सीजन के साथ अमल करके नाइट्रोजन डाईऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है। नाइट्रोजन डाईऑक्साइड गैस को पानी की फुहार में जज्ब करने से नाइट्रिक एसिड हासिल होता है। नाजरीन, नाइट्रिक एसिड एक ताकतवर यक असासी तेजाब है, लिहाजा पानी में डालने से एक नाइट्रेट आयन और एक हाइड्रोऑक्सोनियम आयन में तब्दील हो जाता है। चूँकि नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटमों की तादाद नाइट्रोजन के एटम की नस्बत तीन गुना ज़्यादा है, लिहाजा नाइट्रिक एसिड ताकतवर तकसीदी आमिल के तौर पर भी काम करता है और मुख्तलिफ भारी धातुओं, हल्की धातुओं और गैर धाती अनासर के साथ मखसूस हालात में उनके मुतल्लिका मुरक्कबात बनाता है। मिसाल के तौर पर भारी धातु कॉपर के साथ हल्का और ठंडा नाइट्रिक एसिड कॉपर नाइट्रेट, पानी और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है, जबकि इसी धातु के साथ मुर्तकिज और गर्म नाइट्रिक एसिड कॉपर नाइट्रेट, पानी और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड गैस बनाता है। हल्की धातें मसलन सिल्वर और मरकरी सिर्फ मुर्तकिज और गर्म नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करती हैं और अपने मुतल्लिका नाइट्रेट्स के अलावा पानी और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड गैस बनाती हैं, जबकि गैर धाती अंसर मसलन कार्बन मुर्तकिज
और गर्म नाइट्रिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है, जबकि सल्फर और फॉस्फोरस जैसे गैर धाती अनासर मुर्तकिज और गर्म नाइट्रिक एसिड के साथ अपने मुतल्लिका तेजाब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अब हम नाइट्रोजन से मुतल्लिक एक और अहम मौजू यानी नाइट्रोजनी दौर या नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताते हैं। नाइट्रोजनी दौर उस कीमियाई अमल को कहते हैं जिसकी वजह से फिज़ा में मौजूद आज़ाद नाइट्रोजन अपने मरकबात में तब्दील हो जाती हैं और ये मरकबात एक दूसरी किस्म के कीमियाई अवामिल से गुजरने के बाद दोबारा आज़ाद नाइट्रोजन में बदल जाते हैं। नाइट्रोजनी दौर दो तरह से होता है। पहले तरीके में फिज़ा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें आसमानी बिजली की मौजूदगी में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें बना देती हैं। ये गैसें पानी में हल होकर नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाती हैं जो बारिश के साथ ज़मीन पर आ जाते हैं। चूँकि ज़मीन में कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना और मुख्तलिफ धातुओं के नमकियात पाए जाते हैं, लिहाजा इन तेजाबों की तादील हो जाती है और मुतल्लिका नाइट्रेट्स बनती हैं। नाइट्रेट्स पानी में हल पज़ीर होने की वजह से पौधों की जड़ों में जज्ब हो जाते हैं और नबाताती प्रोटीन्स में तब्दील हो जाते हैं। दूसरे तरीके में लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी फलीदार पौधों की जड़ों पर मौजूद छोटे छोटे उभार यानी नोड्यूल्स आज़ाद नाइट्रोजन को जज्ब कर लेते हैं। चूँकि इन नोड्यूल्स में नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लिहाजा आज़ाद नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाती है और बाद इज़ां नबाताती प्रोटीन्स में बदल जाती है। इंसान और जानवर जब ऐसे पौधों को जिनमें नबाताती प्रोटीन्स पाए जाएं अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो नबाताती प्रोटीन्स हैवानी प्रोटीन्स में बदल जाती हैं। इंसानों, जानवरों और पौधों के मरने और इनके अजसाम के गलने सड़ने के बाद नबाताती और हैवानी प्रोटीन्स दोबारा आज़ाद नाइट्रोजन में बदल जाते हैं और ये आज़ाद फिज़ा में चली जाती है और यूँ फिज़ा में नाइट्रोजन का तवाज़ुन बिगड़ने नहीं पाता। नाज़रीन, पांचवें ग्रुप का दूसरा अहम अंसर फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस की अलामत कैपिटल पी, एटमी नंबर 15, एटमी वज़न 30.974 AMU और कुमियती नंबर 31 है। फॉस्फोरस एटम के मरकज़ा में 15 प्रोटॉन्स और 16 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि 15 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में और 5 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में गर्दिश करते रहते हैं। मुख्तलिफ सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है। फॉस्फोरस यक एटमी शक्ल में नहीं मिलता, बल्कि फॉस्फोरस के 4 एटम मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं, इसीलिए फॉस्फोरस को p4 से भी जाहिर किया जाता है। बहुत ज़्यादा अमल अंगेज़ होने की वजह से मरकबात की शक्ल में पाया जाता है। फॉस्फोरस का अहम मुरकब कैल्शियम फॉस्फेट है जो 90% फॉस्फोराइट चट्टानों में और 80% हड्डियों में मौजूद होता है। हड्डियों और दांतों की मुनासिब नशोनुमा के लिए फॉस्फोरस का मरकबात की शक्ल में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस तजर्बागाह में तैयार नहीं किया जाता, ताहम सनती पैमाने पर खालिस फॉस्फोरस हासिल करने के लिए फॉस्फोराइट रॉक से हासिल करदा कैल्शियम फॉस्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी रेत, कोक यानी कार्बन के आमेजे को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर गर्म करने से खालिस फॉस्फोरस हासिल होता है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर की तरह फॉस्फोरस में भी बहरूपियत पाई जाती है। बहरूपियत से मुराद किसी अंसर की वो खासियत है जिसकी वजह से कोई अंसर एक से ज़्यादा तबई अशकाल में पाया जाता है। अंसर की मुख्तलिफ तबई अशकाल को बहरूपी अशकाल कहते हैं। फॉस्फोरस की अहम बहरूपी अशकाल सफ़ेद फॉस्फोरस और सुर्ख फॉस्फोरस हैं।
بیروپی اشکال کے طبعی خاص ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جبکہ کیمیائی خاص ایک جیسے اسی لیے سرخ اور سفید فاسفورس مختلف غیر دھاتی اور دھاتی عناصر تیزابوں اور اثاثوں کے ساتھ ایک جیسے مرکبات بناتے ہیں مثال کے طور پر فاسفورس غیر دھاتی عنصر مثلا آکسیجن کے ساتھ فاسفورس پینٹاکسائڈ بناتا ہے جبکہ کلورین کے ساتھ فاسفورس ٹرائی کلورائڈ اور فاسفورس پینٹا کلورائڈ بنتے ہیں اسی طرح دھاتی عناصر مثلا سوڈیم کے ساتھ سوڈیم فاسفائڈ اور میگنیزیم کے ساتھ میگنیزیم فاسفائڈ حاصل ہوتے ہیں غیر نامیاتی تیزابوں مثلا نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ کے ساتھ فاسفورک ایسڈ حاصل ہوتا ہے جبکہ اثاث یعنی سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ سوڈیم ڈائی ہائیڈروجن فاسفائڈ اور فاسفین گیس حاصل ہوتی ہے فاسفورس ایک بہت کارآمد عنصر ہے اسی لیے سرخ فاسفورس ماچس بنانے میں استعمال ہوتا ہے جبکہ سفید فاسفورس کیڑے مار ادویہ آتش بازی دھماکہ خیز مواد اور کھادیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے میدانی جنگ میں دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے دھوئیں کے غلاف چھوڑے جاتے ہیں جن میں سفید فاسفورس استعمال ہوتا ہے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم نائٹروجن اور فاسفورس کے اہم مرکبات یعنی کیمیائی کھادوں کے بارے میں بتاتے ہیں کیمیائی کھادیں ان مرکبات کو کہتے ہیں جو زمین کی پیداوار کو بڑھاتی ہیں اور پودوں کی نشو نما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کیمیائی کھادیں دو طرح کی ہوتی ہیں نمبر ایک نائٹروجنی کھادیں مثلا یوریا امونیم نائٹریٹ امونیم سلفیٹ وغیرہ نمبر دو فاسفورس کھادیں مثلا کیلشیم سپر فاسفیٹ کسی کھاد کی طاقت کا اندازہ اس میں موجود نائٹروجن یا فاسفورس کی فیصد مقدار سے لگایا جاتا ہے مثال کے طور پر یوریا کھاد میں نائٹروجن کی مقدار 46.66% اور امونیم سلفیٹ میں صرف 21.21% ہے اس لحاظ سے یوریا کھاد ان تینوں کھادوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے فاسفورس کی اہم کھاد کیلشیم سپر فاسفیٹ ہے جس میں فاسفورس کی مقدار صرف 26% ہے کیلشیم سپر فاسفیٹ کو پانی میں حل پذیر بنانے کے لیے اس میں تھوڑی مقدار میں کیلشیم سلفیٹ ملایا جاتا ہے ناظرین یہ تھی نائٹروجن اور فاسفورس کے بارے میں کچھ معلومات پروگرام ختم کرنے سے پہلے آئیے آج کے پروگرام کے اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو نائٹروجن اور فاسفورس کی دریافت جائے وقوع کیمیائی خاص تیاری کے طریقے استعمالات نائٹروجنی دور اور کیمیائی کھادوں کے بارے میں بتایا ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام کی مدد سے آپ کو اپنا درسی مواد سمجھنے میں سہولت رہے گی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ